हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शक्करपारा कैसे बनता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का शक्करपारा आप घर में बना सकते हैं और किसी को देना हो लेना हो बहुत ही साफ सुथरे ढंग से आप उसको घर में बना सकते हैं। देने के लिए अच्छा है, किसी को घर में रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको खिला सकते हैं। स्वीट डिश के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आप घर में बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से आप इसको घर में बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लेना है 1 किलो मैदा। 1 किलो मैदा लेके उसमें आपने एक दो चम्मच बेकिंग पाउडर उसमें मिला देना है। बेकिंग पाउडर मिलाकर और आपने उसको मल लेना है। मलने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं शक्करपारे के, इतने इतने एक इंची के आपने पीसेस बना के और उसको सूखने के लिए रख देना है। जब वो सूखने के लिए पड़ रहेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि चाशनी बनानी है। चाशनी ऐसी बनानी है कि तार वाली चाशनी होती है ना, वैसी नहीं बनानी। आपने चाशनी बनानी है मोटी वाली। चीनी डाल लेनी है, 2 किलो चीनी में आधा किलो दूध डाल देना है। पानी नहीं डालना है इसमें, दूध डाल लेना है और उसको मिलाना है। जब वो चाशनी बन जाएगी, मोटी वाली चाशनी बननी है, जिस तरह मलाई होती है ना, मलाई दूध की मलाई खाते हैं उस तरह की बनेगी, व्हाइट वाली चाशनी, वैसी चाशनी बना लेनी है। और उस चाशनी में जब ये शक्करपारे जो आपने बना के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं और इसमें हिलाते रहना है अच्छी तरह। हिला 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 के जब आप देखोगे कि इस पे चाशनी चढ़ गई है, वो आपने फिर उसके बाद उसको एक लंबी सी ट्रे में इसको पलट देना है, इस चाशनी वाले शक्करपारे को। जब सूखने के बाद आपकी शक्करपारे तैयार है, आप उसको खिला सकते हैं और रिश्तेदारों को किसी को आगे खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है खाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।